एक और है केएल राहुल की क्लास सामने रोहित जकास। इट्स बिटवीन मुंबई इंडियंस वर्सेस किंग्स इलेवन पंजाब। हैशटैग सुपर सिक्स ऑफकोर्स विद मी मतलब शार्दिक शर्मा के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो के मेन्यू कार्ड पर सबसे पहले नजर डालते हैं। आपको वहाँ पर सबसे ऊपर देखने मिलेगा कि हम आपको एक आईपीएल का ट्रिविया का क्वेश्चन पूछेंगे। फिर हम बात करने वाले हैं हमारे ड्रीम इलेवन आईपीएल 2020 के मैच नंबर 36 पर, जो कि खेला जाएगा मुंबई इंडियंस और किंग्स इलेवन पंजाब की टीम के बीच में। फिर हम बात करने वाले कि आप इसमें से कौन से फन कॉन्टेस्ट देख सकते हैं, कौन से प्लेयर बैटल देख सकते हैं। देन हम पिक करेंगे कौन होगा इस मैच का हमारा मैच प्रोडक्टर। देन हम प्रिडिक्ट करेंगे कौन सी टीम मैच जीत सकती है। उसके बाद हमने जो आपको ट्रिविया सबसे पहले पूछा था उसका आंसर हम आपको सबसे लास्ट में देने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में आज बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो आज का ट्रिविया है, विच प्लेयर हैज स्कोर्ड मोस्ट रन्स एज एन ओपनर इन द हिस्ट्री ऑफ ड्रीम इलेवन आईपीएल। मतलब वो कौन सा प्लेयर है जिसके सबसे ज्यादा रन्स है एज एन ओपनर पूरी ड्रीम इलेवन आईपीएल की पूरी हिस्ट्री में। तो फ्रेंड्स, आप बताइए कि आपके हिसाब से वो कौन सा प्लेयर है। प्लीज गूगल मत कीजिए, और कोई रूल नहीं है इस क्वेश्चन का। और वीडियो के एंड में मैं आपको आंसर देने वाला हूँ, और वीडियो के एंड तक का आपके पास टाइम है। तो फ्रेंड्स चलिए बताइए हमको कमेंट्स करके आंसर। तो चलिए आज के वीडियो में आगे बढ़ा, आज के मैच पर बात करें। तो आज का मैच खेला जाने वाला है रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस और केएल राहुल की किंग्स इलेवन पंजाब की टीम के बीच में। एक तरफ आपको केएल का क्लास देखने मिलेगा, सामने आपको रोहित जकास देखने मिलेगा। मतलब दोनों ही प्लेयर बड़े मैच विनर्स है। अगर दोनों टीमों के पिछले पांच मैचेस पर नजर डालो तो आपको वहां पर नजर आएगा कि मुंबई इंडियंस की टीम ने अपने पिछले पांच मैचेस में से पांच मैचेस जीते हैं। मतलब पांच के पांच मैचेस उन्होंने जीते हुए। अगर किंग्स इलेवन पंजाब की बात करें तो आपको वहां पर नजर आएगा किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने अपने पिछले पांच मैचेस में से एक ही मैच वो जीते और चार मैचेस वो हार के आए हैं। तो यहाँ पे किंग्स इलेवन पंजाब के पास इतना फॉर्म अच्छा है नहीं, हालांकि वो अपना पिछला मैच जीत गया है। मुंबई इंडियंस तो अपने पिछले पांच के पांच मैच जीत के आई। अगर दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल पर बात करें तो आपको वहाँ पे नजर आएगी मुंबई इंडियंस की टीम नंबर टू पर है, जिन्होंने आठ मैचेस खेले और आठ में से उन्होंने छह मैचेस जीते और उनके पास 12 पॉइंट्स है। किंग्स इलेवन पंजाब की बात करें तो आपको किंग्स इलेवन पंजाब की टीम नंबर एट पर नजर आएगी, जिन्होंने आठ मैचेस खेले और दो ही मैचेस जीते और छह मैच वो हारे और जिनके पास चार पॉइंट्स है अभी। तो ये हो गई दोनों टीमों की पॉइंट से बल बात। अब बात करते हैं कौन से मैच विनर्स आप इसमें से देख सकते हैं। सबसे पहले मुंबई इंडियंस की बात करते हैं तो आपको वहाँ पर रोहित शर्मा के साथ जसप्रीत बुमराह देखने मिलेंगे, फिर हार्दिक पंड्या, फिर करण पोलार्ड, क्विंटन डिकॉक, ये बड़े बड़े मैच विनर्स आपको वहाँ पे देखने मिलेंगे। वहीं किंग्स इलेवन पंजाब की बात करें तो आपको वहाँ पे केएल राहुल के साथ मयंक अग्रवाल देखने मिलेंगे, क्रिस गेल, निकलस पूरन, मोहम्मद शमी, ये बड़े बड़े मैच विनर्स आपको दोनों टीमों में इस मैच में देखने वाले हैं। अब बात करते हैं कि आप दोनों टीमों से क्या उम्मीद कर सकते हैं इस मैच के लिए। तो सबसे पहले मुंबई इंडियंस की बात करते हैं तो वो अपना पिछला मैच जीत गया, उनको कोई चेंजेस की ज़रूरत है नहीं। अगर कुछ टूटा नहीं है तो कुछ जोड़ने की भी उनको ज़रूरत है नहीं। तो उनका जो सेम कॉम्बिनेशन है उनको वही चलाना चाहिए। मेरे ख्याल से उनको कोई चेंजेस की ज़रूरत है नहीं। अगर किंग्स इलेवन पंजाब की बात करें तो उनको भी कोई चेंजेस की ज़रूरत है नहीं। अगर वो चाहे तो क्रिस गेल से ओपनिंग करा सकते हैं, केएल राहुल और क्रिस गेल ओपनिंग कर सकते हैं। आपको वहाँ पर नजर आएगा कि आपको मुंबई इंडियंस की टीम में ओवर स्टार्ट करते नजर आएंगे बॉलिंग में ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, नेथन ट्रिपल नाइन, ये तीनों बढ़िया बॉलर्स हैं। तो उनके सामने आपको लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन होगा तो बढ़िया होगा। मेरे ख्याल से क्रिस गेल को ओपनिंग करनी चाहिए और मयंक अग्रवाल को नंबर थ्री पर आना चाहिए। तो देखते क्या करते हैं केएल राहुल। अब फन कॉन्टेस्ट की बात करते हैं तो कौन से फन कॉन्टेस्ट आप इस मैच में देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्रिस्टोफर हेनरी गेल के सामने बूम बूम बुमराह देखेंगे, एक टी ट्वेंटी एकदम खतरनाक बॉलर, सामने आपको टी ट्वेंटी का एकदम लाजवाब बैट्समैन मिलेगा जिसको यूनिवर्सल बॉस के नाम से जाना जाता है, ये बढ़िया फन कॉन्टेस्ट देखने मिलेगा। फिर आपको केएल राहुल के सामने ट्रेंट बोल्ट नजर आएंगे, ट्रेंट बोल्ट के सामने केएल राहुल, ये बढ़िया फन कॉन्टेस्ट। लेफ्ट आर्म पेसर्स, इन स्विंग आउट स्विंग, केएल राहुल की कमाल लाजवाब फॉर्म, ये बढ़िया फन कॉन्टेस्ट। फिर आपको क्विंटन डिकॉक के सामने मोहम्मद शमी देखने मिलेंगे, मोहम्मद शमी बहुत ही बढ़िया लेंस पर बॉलिंग कर रहे हैं। वहीं आपको सामने क्विंटन डिकॉक नजर आएंगे, अपने पिछले तीन मैचेस में बहुत ही बढ़िया स्कोर किया है, 750 प्लस किया है तीनों भी मैचेस में पिछले। तो ये कुछ फन कॉन्टेस्ट आप इस वजह से देख सकते हैं। Now who am I going to pick as my match predictor for this match? तो इस मैच के मेरे मैच प्रेडिक्टर हैं बूम बूम बुमराह। सामने की टीम में आपको केएल राहुल दिखेंगे, मयंक अग्रवाल दिखेंगे, निकलस पूरन, क्रिस गेल, ग्लेन मैक्सवेल, तो बड़े बड़े बैट्समैन से सामने होते हैं। यहाँ पे एक बॉलर को मैं पिक कर रहा हूँ मेरे मैच प्रेडिक्टर के रूप में, तो बुमराह होंगे मेरे इस मैच के मैच प्रेडिक्टर और मैं जा रहा हूँ मुंबई इंडियंस की टीम के साथ। मेरे ख्याल से मुंबई की टीम में मैच आसानी से। आप बताइए कि आपके सबसे कौन सी टीम में मैच जीत सकती है, आपका मैच प्रेडिक्टर कौन है इस मैच के लिए। आप ये सभी चीजें हमको बता सकते हैं कमेंट्स करके। कमेंट्स का सेक्शन बिल्कुल आप ही के लिए, उसको पूरी तरह से भर दीजिए। अब ट्रिविया के आंसर का टाइम है। तो आज का ट्रिविया था, विच प्लेयर हैज स्कोर्ड हाईएस्ट रन्स एज एन ओपनर इन द हिस्ट्री ऑफ ड्रीम इलेवन आईपीएल। वहाँ पे आपको सबसे ऊपर क्रिस्टोफर हेनरी गेल का नाम नजर आएगा, जिन्होंने 4480 रन्स मारे हैं। उनका एवरेज 41.87 का और स्ट्राइक रेट 151.40 का है।
तो ये बहुत ही बढ़िया लाजवाब बैट्समैन है। हालांकि ऐसे ही कुछ पारी ये इस मैच में भी खेल जाते हैं तो किंग्स इलेवन पंजाब की टीम भी ये मैच जीत सकती है। तो फ्रेंड्स आप बताइए कि आपका ये आंसर राइट हुआ है कि रॉन्ग हुआ है, आप बताइए कि आपका मैच प्रेडिक्टर कौन, आपका ये मैच कौन जीत रहा है आपके हिसाब से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, कमेंट्स भी कीजिए आप, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पा सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।